प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, शुक्रिया। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लपेट कर पेश की गई है। इससे ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती चली जाए और आप अपनी मर्जी से जी भी ना सकें। कहते हैं ये सब हमाकतें तालीम की कमी की वजह से हैं। जब मुत्तफिका तौर पर यह बात तस्लीम कर ली गई है तो फिर ये क्या हमाकत है कि तालीम आम नहीं की जाती? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जिनके हाथ में आवाम को तालीम देने का काम है वो खुद तालीम याफ्ता नहीं? मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा कि अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब जो कि बनाम तलाश है उसमें लिखते हैं कि उधर अमीर लोगों की फर्टिलिटी कम होती जा रही है तो इधर गरीबों की बढ़ती जा रही है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं लेकिन आठ आठ बच्चे ऊधम मचा रहे हैं और नौवें की आमद आमद है। मगरबी मशाहिर कहते हैं कि कॉन्डम को आम कर दो, मुफ्त बांटो, स्कूल के बच्चों पर आयद कर दो कि उनकी हर जेब में एक कॉन्डम होना लाजमी है। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं सिक्स क्लास का तालिब इल्म था तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉन्डम का मशवरा दिया था। जब उसका तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम ही इब्ने कॉन्डम रख दिया। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।